गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम मैच्योर मैथमेटिक्स लास्ट सिक्स एक्सरसाइज 2B का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। पार्ट वन में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करी थी और पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, आपको डिवाइड करना है और चेक करना है डिवीज़न एल्गोरिथम से। सो डिवीज़न एल्गोरिथम आपको पता रहना चाहिए, ये होती है डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़न मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमने पार्ट वन में और भी अच्छी तरीके से समझी थी, पर मैं इसमें भी थोड़ा सा रिव्यू आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्या होता है क्वेश्चन डिवीज़न रिमाइंडर। सो आप यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ए वाला क्वेश्चन है आपके पास 6 to 6 8 5 डिवाइडेड बाई 4 3 5। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मल डिवीज़न, यहाँ पर मैंने बिल्कुल नॉर्मल डिवीज़न किया है। ओके, आप यहाँ देख सकते हो नॉर्मल डिवीज़न करने पर जो जिससे आप डिवाइड करते हो वो आपका डिवीज़र होता है, जो आंसर आता है वो क्वेश्चेंट होता है, और जो लास्ट में जो बचता है डिवाइड में वो रिमाइंडर होता है। ये आपको पता रखना है। सो ए क्वेश्चन का ये नॉर्मल डिवीज़न है, ये आपको साइड में ही करना है अपनी नोटबुक में। ओके, सो वीडियो को स्किप कर आप जरूर डिवाइड को कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे का सॉल्यूशन। ऑन सॉल्विंग 6 to 6 8 5 डिवाइडेड बाय 4 8 5 वी गेट, देन डिवाइड करने पर हमें मिलता है 4 3 5 डिवीज़र, क्वेश्चन 144 रिमाइंडर 45। वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम ये होती है। फिर आपको वैल्यूज पुटअप कर देनी है बस, देन मल्टीप्लाई किया प्लस 45, देन आपके पास दोनों इक्वल आ जाता है। डिवाइडेंड होता है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो दोनों इक्वल आ जाता है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी क्वेश्चन है, ये यहाँ पर ए लिखा हुआ है पर ये बी क्वेश्चन है। 4 3 5 7 9 में 94 का डिवीज़न करना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिवीज़न किया हुआ है 94 का, नॉर्मल डिवीज़न है बिल्कुल। सो डिवीज़न आपका 94 है, क्वेश्चन आपको 463 मिल गया और रिमाइंडर 57 है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपको लिखना है स्टेटमेंट। आप जानते हो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके आंसर में। ओके, सो वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम, देन वैल्यूज पुटअप कर दी है हमने इस डिवीज़न एल्गोरिथम में, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, देन आपका आंसर इक्वल्स टू में आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सो सी क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से डिवाइड कर आपको चेक करना है एल्गोरिथम को। सो ऑन सॉल्विंग 8 8 8 9 9 डिवाइडेड बाय 77 वी गेट, हेयर डिवाइड इज गिवन, नॉर्मल डिवीज़न है ये भी आपको, तो आपके पास क्वेश्चन 1 1 5 4 आ रहा है, रिमाइंडर 41 आ रहा है, और आपको पता ही है यहाँ पर तो ये डिवीज़र है ये डिवाइडेंड है। ओके, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखा है वी नो डेट डिवीज़न एल्गोरिथम, देन वैल्यूज़ को पुटअप किया, आंसर इक्वल्स टू में आ जाएगा। ओके, वीडियो को स्किप कर अपनी नोटबुक में एक बार करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा और आपको समझ भी आएगा। ओके, ये स्टेटमेंट लिखने से आपको पढ़कर ही समझ आ जाता है, इसका यही फ़ायदा होता है। जिसे अगर आपको समझ ना आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट डी वाले में पे आपको 5 3 0 6 8 डिवाइडेड बाई 257 है, यहाँ पर नॉर्मल डिवीज़न दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन 126 आएगा और ओके क्वेश्चन 206 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 126 आएगा। ओके, सो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस। सो नॉर्मली आपको बस वैल्यूज पुटअप करनी है, ये तो आपको लर्न करनी ही है, डिवीज़न एल्गोरिथम थ्योरी है, इसे तो आपको ज़रूर लर्न करना है। ओके, फिर आपको यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देनी है, वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद आपके पास ये दोनों इक्वल्स टू में आ जाएगा। ओके, पहले मल्टीप्लाई किया है और फिर प्लस किया है, ये ध्यान रखना है इसमें। सो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजल बाय 85, यानी कि 5-डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो 85 से, वो फाइंड करनी है आपको। सो स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर क्या होगा आपके पास, 5-डिजिट नंबर 10,000। ओके, ये 5-डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। वी नो डेट, आप जानते हैं डिवीजन थ्योरम क्या होती है,
सो डिवीजन थ्योरम आपको यहाँ पर 85 का 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में डिवाइड करना है. सो आपको रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन भी आपको मिल गया. देन वैल्यूज पुट अप करने पर आपको इसमें ये पता रहना चाहिए, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है आपको जो कि डिवाइड हो 85 से. ओके तो इसमें अगर इसमें आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, अगर यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर ना बचे तो ये 85 से डिवाइड होगा. ओके सो आपको क्या करना है, डिवीजर में से रिमाइंडर को माइनस करना है ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए. ओके इसमें ये बात लर्न रखना, टू फाइंड रिक्वायर्ड नंबर वी हैव टू बी 8 नंबर. यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर आएगा, अगर ये रिमाइंडर ही नहीं बचेगा तो आपका हो जाएगा ना एग्जैक्टली डिवाइड. सो डिवीजर में से आपको रिमाइंडर माइनस कर देना है. देन आपके पास 30 आ जाएगा, 30 to 10,000. देन इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास 10030 आंसर आ जाएगा. ओके सो वीडियो को स्किप कर आप ये आंसर अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा. अगर फिर भी समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट 54 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली. यानी कि इसमें आपको यहाँ पर ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 10,000 से 54 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो 10,000. तो 54 का 10,000 में डिवाइड आपको करना है इसमें नॉर्मली. सो क्वेश्चन आपका 185 आ जाएगा. देन रिमाइंडर आपका 10 आ गया है यहाँ पर. सो हमने स्टेटमेंट भी लिखा है, इन दिस रिमाइंडर इज 10 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 54. यानी कि अगर आपके पास रिमाइंडर 10 बच रहा है जो कि डिविजिबल नहीं हो सकता 10 से, अगर आप इस 10 के अंदर 44 ऐड कर देते हैं तो ये 54 हो जाएगा. ओके अगर 10 प्लस 44 कर दोगे आप तो ये 54 हो जाएगा. 54 तो आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना. सो हमें 44 ऐड करना होगा रिमाइंडर में तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा. ओके इसके अंदर क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना, इसमें नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 54 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए. सो अगर रिमाइंडर में हम 44 प्लस करते हैं तो ये 54 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. ओके सो यही है इस क्वेश्चन में. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड आउट करना है विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,000 सो दैट 64 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली. ओके उसमें एडिशन करना था, इसमें सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है, व्हेन वी डिवाइड 10,000 बाय 64. तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको साइड में कर लेते हैं हम. यहाँ पर नॉर्मली डिवीजन हो रहा है. सो क्वेश्चन 156 आ रहा है, रिमाइंडर 16 आ रहा है. ओके सो इसके अंदर आपको क्वेश्चन 156 मिल रहा है और रिमाइंडर 16 मिल रहा है. ओके सो 16 फ्रॉम 10,000 में से माइनस करेंगे तो आपको 9,984 मिलेगा. मतलब जो रिमाइंडर है उसको डिवाइडेंड में से माइनस करेंगे आप तो आपको 9,984 मिलेगा. और 9,984 आपका 64 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है. मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. मतलब आपको 16 को माइनस करना है डिवाइडेंड में से. ओके ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ज़रूर आ जाएगा. सो डू प्रैक्टिस मोर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 में आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इज द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर डिफरेंस जस्टिफाई योर आंसर. मतलब टू होल नंबर्स का सम ग्रेटर होगा उनके डिफरेंस से, सो आपका आंसर जस्टिफाई करो जरूर होगा. 2 + 2 करो आप तो 4 आएगा. ओके इनका सम ज़्यादा है, 2 - 2 0 है ना, तो सम ही ज़्यादा होगा ना इसमें. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा यस, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर नंबर बिकॉज इवन इफ वन ऑफ द नंबर इज एडेड टू बी 0 द आंसर विल वेल नॉट बी ग्रेटर बट एट लीस्ट इक्वल टू इट. यानी कि अगर हम किसी में भी 0 भी प्लस करते हैं उससे ग्रेटर नहीं आएगा पर इक्वली आ जाएगा, पर ये ग्रेटर देयर डिफरेंस होगा. ओके सो इसका आंसर ये आपका ओनली यस आंसर भी लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा इसमें. अगर आप इस स्टेटमेंट से लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप स्किप कर आंसर लिख लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1. व्हाट डू यू कंक्लूड बाय दिस स्टेटमेंट. ओके इसको यहाँ से ले जाते हैं हम.
सो इसमें आपको क्या करना है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ वन, यानी कि अगर प्रोडक्ट दो होल नंबर्स का वन आता है, सो बोथ द नंबर शुड बी इक्वल टू वन, सिंस वी नो डैट वैन एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई वन द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सेम नंबर. यानी कि अगर आप किसी भी डिजिट को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट आएगा. तो यही आपने इसमें कंक्लूड कर दिया है. अगर हम टू प्रोडक्ट्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इक्वल ही आएगा. जब भी हम कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है. ओके, ओनली यही आपको इसमें कंक्लूड करना था. वीडियो को स्किप कर ये आंसर लिख लीजिएगा. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ओके, फोर डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट फोर नाइन्स. ओके, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर 999. सो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होगी, पीछे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में करी है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है मैंने. और आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, 900 प्लस 99 भी कर सकते हैं और 1000 माइनस 1 भी कर सकते हैं. ओके, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओनली इसमें. सो आप डिस्ट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पर इसको किया है 999 को यहाँ पर, फिर आपने नॉर्मली इसमें मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाला है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 इज, देयर आर 52 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 48 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल. इफ द मंथली चार्जेस ऑफ ईच स्टूडेंट आर 200, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इसमें भी यूज़ करना है. यहाँ पर 52 स्टूडेंट्स सेक्शन ए में है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है गिवन में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज़ 48. मंथली चार्जेस कितना लग रहा है, 200. सो हमने टोटल मंथली कलेक्शन कैसे निकालना है, 200 को इन दोनों को सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी कर दो, यहाँ पर कर दिया है. सो ये जो ऐसा वाला आपको चिन्ह दिख रहा है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर. ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा. 200 मल्टीप्लाई 100 20,000 आपका आंसर आ जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है, द कॉस्ट ऑफ चेयर इज 225 एंड द कॉस्ट ऑफ टेबल इज 475. इफ ए स्कूल परचेज 50 चेयर्स एंड 50 टेबल्स, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर द सेम, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आपको इसमें भी सेम 14 की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. सो हमने पहले लिख दिया है कॉस्ट ऑफ चेयर इज 225 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इज 475 ही है, पर यहाँ पर 7 नहीं आएगा. ओके, मिस्टेक हो जाती है. सो इस यहाँ पर भी यही कर रखा है मैंने. सो इसका आंसर भी अगेन आएगा. ओके, यहाँ पर मिस्टेक से, बाय मिस्टेक यहाँ पर 7475 से सोल्व कर दिया है मैंने, पर यहाँ पर 475 आपकी बुक में दिया गया है. सो यहाँ पर आपको 475 ही लिखना है और यहाँ पर भी आपको 475 ही लिखना है. और फिर सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. ओके, तो यहाँ पर मैं बता रही थी आपको ये नहीं आएगा, 475 आएगा. फिर आपको 50 को 225 से मल्टीप्लाई करना है, देन 50 को 475 से नॉर्मली प्लस करके आपका आंसर 35,000 आ जाएगा. ओके, आ जाएगा इसका आंसर. सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. नेहा बोट 25 सेट्स ऑफ डायरीज एंड बॉल पेन्स और फॉर हर फ्रेंड. इफ द कॉस्ट ऑफ डायरी इज 38, बॉल पेन इज 12, हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ डायरीज ने कितनी मंगाई थी, 25. कॉस्ट ऑफ 25 डायरीज, 25 मल्टीप्लाई 38, मतलब 25 डायरीज कितने की होगी, आपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत किया है. ओके, आपको पता रहना चाहिए इसका. सो 25 डायरीज 38 रुपीज़ की कितनी होगी, 950 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वन पेन 12, क्वेश्चन में से लिखा है जो गिवन है. टोटल नंबर ऑफ पेन्स 25 है. सो 25 पेन्स कितने रुपए के होंगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 300 रुपीज़ के. फिर आपको इन दोनों को प्लस कर देना है तो आपका आंसर 1250 आंसर आ जाएगा. ओके, यानी कि आप उसने बॉल पेन और टेबल जो डायरीज खरीदी है उसमें टोटल रुपीज़ कितने स्पेंड किए, ये फाइंड आउट किया है इसमें हमने.
नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास है, वी नो डेट 1 × 1 = 1, विच अदर होल नंबर मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ गिव द होल नंबर इट सेल्फ अगेन, यानी कि 1 × 1 = 1 होता है, ऐसा कौन सा होल नंबर है जो वापस से होल नंबर ही देता है मल्टीप्लाई करने पर। सो 0 और 1 होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। अगर आप 0 और 1 भी लिखते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है, वैसे स्टेटमेंट से लिखना चाहते हैं। सो वीडियो को स्किप कर आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, वैसे इसका आंसर 0 और 1 ही है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज, डज द एग्जिस्ट ए होल नंबर विच डिवाइडेड बाई इट सेल्फ गिव द सेम होल नंबर अगेन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो इसमें भी यही पूछा है, अगर होल नंबर को डिवाइड करेंगे इट सेल्फ से तो वो होल नंबर ही देगा क्या अगेन। सो व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी ऑलवेज गेट द नंबर इट सेल्फ एज द क्वेश्चन। ओके, अगर हम किसी भी डिवाइड को 1 से करेंगे तो जो क्वेश्चन वो आएगा वो आपका इट सेल्फ वही आएगा। इफ ए इज एनी होल नंबर, यानी कि हमने ए को होल नंबर और अदर देन 0, देन ए डिवाइडेड बाय ए इज 1, इन अदर वर्ड्स एनी होल नंबर इज डिवाइडेड बाय इट सेल्फ गिव 1 एज द क्वेश्चन। तो अगर आपको ये आंसर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका आंसर आप ओनली यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से एनी अदर होल नंबर डिवाइडेड बाय इट सेल्फ गिव 1 एज द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल हार्डवर्क अकेडमी। You got all mature book solution on this channel. Like, share and subscribe. Thank you. मिलेंगे next video में exercise 2C के साथ। अगर आपको exercise 2A and B में कोई भी doubt हुआ हो तो मुझे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका doubt solve करने की पूरी कोशिश करूँगी। Thank you.